ओके, तो भाई फाइनली बैड ब्लड तो खत्म हो चुका है, पर भाई बैड ब्लड के बाद का क्या स्टोरी होने वाला रॉक का रोमन रेंज कोडी रोड्स का, टोटल स्टोरी लाइन को मैं कवर करने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको जस्ट नेक्स्ट का मैं आपको 100% कंफर्म मैं आपको प्लान बताने वाला हूँ। भाई आगे रॉक के साथ क्या होगा, कोडी रोड्स के साथ आगे क्या होगा, रोमन रेंज के साथ क्या होगा, हम लोग सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो के अंदर। आइए हम शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो भाई सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो सबसे पहले भाई सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर के मैच से स्टार्ट करते हैं। इनका आगे का स्टोरी लाइन आखिर क्या होने वाला है, तो सबसे पहले भाई मैं एक बार फिर से अप्रिसिएट करना चाहूंगा कि मतलब भाई ये क्या ही कमाल का मैच था, मतलब ये नेक्स्ट लेवल का मैच था। बहुत कम लोगों ने इस वाले मैच को पूरा देखा भाई, इसका रिव्यू उसके लिए मुझे बुरा लग रहा, पर भाई ये मैच बड़ा कमाल का था। अब हम लोग बात करते हैं भाई इनका आगे का स्टोरी लाइन क्या होने वाला, तो भाई ये चीज कंफर्म हो चुका है भाई, फिलहाल के लिए इनका स्टोरी लाइन आगे नहीं बढ़ने वाला। सीएम पंक को जितना बदला लेना था भाई उन्होंने ड्रू मैकइंटायर से सारा बदला ले लिया। ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, ड्रू मैकइंटायर बिल्कुल टूट चुके हैं। लोगों ने भाई इतना हार्डकोर रेसलिंग मैच किया था, मतलब रेसल की भाई सीएम पंक को ऑक्सीजन का जरूरत पड़ रहा था। मैं आपको एक्जेक्टली सारा चीज मैं सबका वीडियो में शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर हां भाई हालत बहुत ज्यादा खराब हो गया। बेसिकली भाई ड्रू मैकइंटायर या तो मंडे नाइट रॉ छोड़कर जाने वाले या फिर सीएम पंक भी शायद से थोड़ा सा ब्रेक ले सकते हैं। जो भी हो भाई अभी इनका स्टोरी लाइन भाई फिलहाल के लिए कंटिन्यू नहीं रहने वाला, ड्रू मैकइंटायर गुस्सा में मतलब मंडे नाइट रॉ को छोड़ सकते हैं। इन लोगों का स्टोरी लाइन भाई चाहे जो भी हो पर आप लोग को इतना याद रखना, अभी इनका स्टोरी लाइन कंटिन्यू नहीं होने वाला, अगला साल शायद से कंटिन्यू हो सकता है। डब्ल्यू लीग के ऑडियंस ने लगातार तीन तीन बार मतलब तीन पीपीवी के अंदर तीन तीन बार इनका मैच देख लिया, तो अब फिलहाल इनका मैच होने नहीं वाला चौथी बार। वैसे देन इसके बाद हम लोग बात करते हैं मोटी आंटी के बारे में कि भाई मोटी आंटी का आखिर क्या स्टोरी लाइन आगे का चलने वाला है। तो देखो सबसे पहले भाई बेली के साथ इनका रवलरी खत्म हो चुका, आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो, बेली को बस ऐसे ही मौका मिल चुका। इनका जो मेन स्टोरी लाइन चलने वाला है वो टिफनी के साथ चलने वाला, अगला जस्ट जो पीपीवी आने वाला वो एक्चुअली क्राउन ज्वेल आने वाला है। तो भाई मैं आपको बता दूं देयर इज ए हाई चांसेस कि भाई वहां पर जाकर अपना टिफनी मनी इन द बैंक कैश इन कर सकते हैं। क्राउन ज्वेल बहुत बड़ा इवेंट होता है, टिफनी बेसिकली अपना कैश इन इसलिए यहां पर सक्सेसफुल नहीं कर पाए क्योंकि भाई मतलब ये छोटा पीपीवी था। क्राउन ज्वेल के अंदर डब्ल्यू वाले बहुत ज्यादा पैसा छापते तो भाई उसके अकॉर्डिंग उनको देना भी होता वहां। तो मेबी भाई मतलब नेक्स्ट पीपीवी के अंदर भाई शायद से अपना टिफनी आकर मनी इन द बैंक कैश इन नाया जैक्स के ऊपर कर सकती है। दूसरी चीज भाई अब मोटी आंटी का रवलरी शायद से नियोमी के साथ आपको आगे बढ़ते हुए दिख सकता है, क्योंकि भाई बेली को तो मौका मिल चुका है पर बेली की जो फ्रेंड है नियोमी उनको अभी करंट मौका नहीं मिला। तो नियोमी वर्सेस आपको मोटी आंटी का मैच आपको देखने को मिलेगा इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर। उस मैच के लास्ट में मस्त तरीके से टिफनी आएगी, टिफनी शायद से अपना मनी इन द बैंक कैश इन कर सकती है, इनके लिए सबसे बेस्ट मौका वहां पर होगा। वैसे नेक्स्ट अगर हम लोग डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर के स्टोरी लाइन के बारे में बात करें तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा डब्ल्यू वाले इस वाले मैच को आखिर डाली क्यों थी। मैं आपको सही बता रहा हूँ, एक मंडे नाइट रॉ का जो मैच होता भाई सेम वही मैच इन्होंने डिलीवर किया। मैं डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर से ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ, मतलब भाई इतना एवरेज मैच मतलब डिलीवर करो भी पीपीवी के अंदर, जबकि इन दोनों रेसलर के बीच में हमें फर्स्ट टाइम मतलब फाइट देखने को मिल रहा है। तो फिलहाल के लिए मैं आपको बता दूं अभी भाई बेसिकली फिन बैलर मैच को हार गए, पर भाई इनका स्टोरी लाइन ऐसे ही कंटिन्यू रहने वाला है, क्योंकि भाई डेवन प्रीस्ट और फिन बैलर का ऐसा रवल रही है जो कि एक पीपीवी के अंदर भाई ये खत्म नहीं होने वाला है। तो आपको भाई मे बी अगला पीपीवी के अंदर भी इन दोनों रेसलर के बीच में आपको फाइट देखने को मिलेगा। इसके पीछे का एक और रीजन ये भी कि भाई रिया रिप्ली का जो मैच हुआ था भाई उस मैच के अंदर रिया रिप्ली के साथ फिर से चीटिंग हो गया। रिया रिप्ली के मैच के अंदर रकेल का इंटरफेरेंस हो गया, तो मतलब रिया रिप्ली भाई स्टील फाइट करने वाले लिव मॉर्गन के साथ फिर से एक मैच मांगने वाले। रिया रिप्ली का भी जस्ट करेंट टाइम स्टोरी लाइन जब नहीं खत्म हुआ लिव मॉर्गन के साथ, तो मतलब भाई डेवन प्रीस्ट का कैसे खत्म हो सकता है जजमेंट डे के साथ। ये सारे लोग भाई स्टील फाइट करने वाले, आपको शायद से रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन का एक बार फिर से आपको मैच देखने को मिल सकता है क्राउन ज्वेल के अंदर। इनका स्टोरी लाइन भाई बेसिकली ऐसा ही चलते रहने वाला, पर हाँ एक आपको बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिल सकता है। रकेल भाई इस बार अपना हील करेक्टर के साथ वापस आई, तो भाई मे बी अपनी फ्रेंड को धोखा भी दे सकती है। मे बी भाई नेक्स्ट पीपीवी या फिर सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको रकेल वर्सेस लिव मॉर्गन का मैच भी आपको देखने को मिल सकता है। आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो भाई, रकेल 100% लिव मॉर्गन को धोखा देने वाले, लिव मॉर्गन के ऊपर टर्न ऑन होने वाले। तो बेसिकली ये जो स्टोरी लाइन भाई ऐसा ही चलते रहेगा, मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग आने नहीं वाला है। वैसे देन इसको नेक्स्ट अगर हम लोग द बिल गोल्डवर के बारे में बात करें तो भाई गोल्डवर का जो रिटर्न हुआ है करंट अभी ये सबसे परफेक्ट टाइमिंग पर रिटर्न हुआ है। देखो अगला जो मंडे नाइट रॉ होने वाला है वहां पर सैमी जेन का मैच होने वाला गुंथर के साथ, तो इस मैच के अंदर भाई एक चैंपियन बनकर सामने निकलेगा। ऑब्वियस सी बात है भाई गुंथर जो है सैमी जेन को हरा देंगे, उसके बाद भाई मतलब सैमी जेन का काम खत्म हो जाएगा। तो अब सैमी जेन का काम खत्म हो चुका, पर भाई गुंथर को एक तगड़ा अपोनेंट चाहिए क्राउन ज्वेल के लिए, और मेरे ख्याल से भाई क्राउन ज्वेल के अंदर गुंथर के लिए सबसे बेस्ट अपोनेंट गोल्डवर के अलावा कोई और हो ही नहीं सकता, क्योंकि भाई सऊदी के लोग मतलब गोल्डवर को बहुत पसंद करते हैं। सबसे परफेक्ट टाइमिंग पर भाई गोल्डवर ने अपना रिटर्न किया, तो भाई मे बी देयर इज अ वेरी हाई चांसेस कि भाई आपको गोल्डवर वर्सेस गुंथर का मैच आपको देखने को मिल जाएगा इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर। हाँ ये जो भी होगा भाई आपको अगले मंडे नाइट रॉ पर आपको देखने को मिल जाएगा, जैसे सैमी जेन और गुंथर का मैच खत्म होगा उसके बाद गोल्डवर आ सकते हैं वापस। और गोल्डवर के बारे में ट्रिपल एच ने भी कंफर्म बता दिया कि नेवर से नेवर जब गोल्डवर वापस आए तो कुछ न कुछ एम लेकर वो वापस आए हैं। तो बेसिकली भाई मेरे ख्याल से आप लोगों को मंडे नाइट रॉ तक वेट करना, मंडे नाइट रॉ पर शायद से भाई गोल्डवर और गुंथर का मैच आपको फिक्स होते हुए दिखने वाला है, क्योंकि अभी जस्ट क्राउन ज्वेल होने वाला, क्राउन ज्वेल सबसे बेस्ट मतलब टाइम होता है डब्ल्यू वालों को मतलब गोल्डवर को वापस लाने के लिए। देन इसको नेक्स्ट अगर हम लोग ब्लड लाइन के बारे में बात करें तो भाई ब्लड लाइन का भाई मैच काफी कमाल का था, काबिले तारीफ मैच था, और इनका स्टोरी लाइन भाई बेसिकली बहुत सिंपल होने वाला, मैं आपको सब कुछ बता देखो। सबसे पहले भाई कोडी रोड्स के बारे में मुझे कुछ भी नहीं बात करना, क्योंकि भाई कोडी रोड्स के फ्रेंड केविन ओवंस ने भाई कोडी रोड्स को पेल दिया है। मुझे भाई अभी भी नहीं समझ में आ रहा कि भाई डब्ल्यू वाले ये सेगमेंट को बैक स्टेज कैसे दिखा सकते इतना वाला बिट्रेल को। आप मेरा बात समझो भाई, मतलब डब्ल्यू वाले भाई
स्टोरी लाइन के ऊपर कितना ध्यान दे रही कि बैक स्टेज भी हमें मतलब भाई बिट्रेल दिखा रही तो है। ये चीज डब्ल्यू वाले ने बहुत अच्छा किया। अब आपको भाई क्राउन ज्वेल के अंदर आपको कोडी रोड्स वर्सेस केविन ओवेंस का मैच आपको देखने को मिलेगा। तो कोडी रोड्स भाई फिलहाल एक पीपीवी के लिए फिक्स हो चुके हैं, वहां पर वो केविन ओवेंस को हराएंगे क्राउन ज्वेल के अंदर। वो अलग बात है कि भाई इनका मैच बोरिंग रहने वाला, क्योंकि भाई मैच का रिजल्ट मेरे ख्याल से सबको पता है। बाकी अगला जो पीपीवी होने वाला वहां पर भाई शायद से मतलब कोडी रोड्स को चैलेंज करने के लिए सीएम पंक में भी आ सकते हैं, क्योंकि भाई सीएम पंक ने बोला तो सीएम पंक वर्सेस कोडी रोड्स का मैच आपको सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको देखने को मे भी मिल सकता है। वैसे आप लोग जो ये फोटो देख रहे हो भाई, ये फोटो रोमन रेज और पॉल हेवन का फोटो है और ये बैड ब्लड का फोटो है। पॉल हेवन वहां भी अवेलेबल थे पर भाई स्टिल वो मतलब स्क्रीन के ऊपर नहीं आए। बाकी रॉक के बारे में बात करें तो भाई रॉक ने भाई अपना फाइनल अपीयरेंस दे दिया और रॉक ने भाई साफ तरीके से इस बात को कंफर्म कर दिया और फिर से वापस आने वाले वो 1-2-3 करके वो या तो रोमन रेज को हराने वाला है फिर कोडी रोड्स के हाथ से वो टाइटल लेने वाले। बाकी अगर हम लोग रोमन रेज के बारे में बात करें तो भाई फाइनली रोमन रेज का भाई जिम उसको फिर से वापस आ चुका है। मतलब भाई स्टिल ब्लड लाइन के स्टोरी लाइन के साथ ही कंटिन्यू रहने वाले, इनका स्टोरी लाइन किसी और के साथ चलने नहीं वाला। कोडी रोड्स को डब्ल्यू वाले भले ही करेंटा में साइड कर दिया, मेरे ख्याल से करना भी चाहिए क्योंकि भाई अब सिविल वार आ रहा है। भाई कोडी रोड्स का क्या काम फैमिली बिजनेस के तो अब बेसिकली होने के अलावा भाई जिमी उसको फाइनली वापस आ चुके हैं, रोमन रेंज भी मतलब पहले से आ चुके हैं। तो बेसिकली ब्लड लाइन का एक और मैच आपको सेटअप होते दिखेगा इस बार का क्राउन ज्वेल के अंदर। हो सकता है डब्ल्यू वाले इस बार रोमन रेंज वर्सेस सोलो सिकोवा का मैच करवाए, फिर रोमन रेंज वर्सेस जेकब फाटू का मैच करवाए। देखो मैं आपको बताता हूं भाई, रोमन रेंज इस पूरे मंथ के अंदर एक्टिव रहने वाले, हर एक स्मैकडाउन को रोमन रेंज आने वाले। जब रोमन रेंज हर एक स्मैकडाउन को बनाएंगे तब ये चीज कंफर्म है कि भाई रोमन रेंज का मैच होगा क्राउन ज्वेल के अंदर। क्राउन ज्वेल जैसे पीपीवी के अंदर मैच वो नहीं रेसल करेंगे ऐसा हो नहीं सकता। जब रोमन रेंज मैच रेसल करेंगे तो भाई ऑब्वियस बात हो ब्लड लाइन के अगेंस्ट ही मैच रेसल करेंगे। और ऑलरेडी भाई करंट टाइम में रोमन रेंज टैग टीम मैच रेसल कर चुके हैं कोडी रोड्स के साथ, तो भाई वो टैग टीम मैच फिर से रेसल नहीं करेंगे ब्लड लाइन के साथ। तो मेरे ख्याल से भाई आपको सिंगल मैच आपको रोमन रेंज और मतलब सोलो सिकोवा आपको देखने को मिल सकता है और फिर भाई आपको रॉक आपको सेकंड अपीयरेंस या तो आपको भाई सर्वाइवल सीरीज के अंदर देखने को मिल सकता है या फिर आपको क्राउन ज्वेल के अंदर देखने को मिल सकता है, नहीं तो दोनों जगह भी देखने को मिल सकता है। बेसिकली रोमन रेंज का अगला जो दोनों मैच होने वाला भाई वो दोनों मैच के अंदर आपको रॉक का आपको रिटर्न देखने को मिल सकता है, रॉक का इंटरफेरेंस देखने को मिल सकता है। क्राउन ज्वेल के अंदर करंट टाइम में थोड़ा सा कम चांसेस है क्योंकि भाई क्राउन ज्वेल सऊदी के अंदर हो रहा है तो रॉक सऊदी तक जाएंगे ट्रेवल करके, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लग रहा है। पर हाँ भाई ये सारा फैमिली बिजनेस ही चलने वाला, आप लोग इस बात को कंफर्म मान लो, यही स्टोरी लाइन चलने वाला। अगले स्मैकडाउन को फिर से रोमन रेंज आने वाला, रोमन रेंज भाई अपना सेगमेंट रखने वाला जहां फिर से आकर ब्लड लाइन उनको इंटरफेरेंस करेगा और फिर आपको क्राउन ज्वेल के अंदर रोमन रेंज का मैच सोलो सिकोवा के साथ शायद से सेटअप होते हुए आपको दिखने वाला और फिर जाकर जब सर्वाइवल सीरीज होने वाला तो फाइनली सर्वाइवल सीरीज के अंदर आपको सिविल वार देखने को मिलेगा ब्लड लाइन। तो इनका भाई स्टोरी लाइन बहुत सिंपल है, अभी सैमी जेन भी ज्वाइन करेंगे, जेउस भी ज्वाइन करेंगे, धीरे धीरे भाई सारे लोग ज्वाइन करने वाले हैं। मेरे ख्याल से भाई क्राउन ज्वेल के बाद ही सैमी जेन और जेउस शायद से ज्वाइन करेंगे। वैसे जेउस के बारे में आपको एक और चीज बता दूं भाई, जेउस के पास जो टाइटल है शायद से डोमडोम के पास जा सकता है, डोमडोम शायद से इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन बन सकता है। उसका स्टोरी लाइन भी भाई करंट टाइम बहुत सिंपल है भाई, मतलब जेउस को करंट टाइम प्यार हो चुका है रिया रिप्ली से, जब वो रिया रिप्ली का साथ देने के लिए जाएंगे तब भाई यहां से जजमेंट डे जो है मतलब यहां पर डोमडोम चैलेंज करने वाला है जेउस को और आपको डोमडोम वर्सेस जेउस का मैच आपको देखने को मिलेगा, उसके बाद भाई डोमडोम चैंपियन बन जाएंगे जेउस को हरा। तो ऐसा स्टोरी लाइन करंट टाइम प्लानिंग किया जा रहा है पर हाँ मेरे ख्याल से भाई जेउस इतना जल्दी अपना टाइटल हारने नहीं वाले हैं, तो ऐसा कुछ आपको अगला साल ही देखने को मिल सकता है जेउस जो अपना टाइटल को हारेंगे। बाकी भाई ये वीडियो इतना ही था भाई, अगर आपका कोई सवाल है तो भाई बेशक आप लोग सारे लोग कमेंट में पूछ सकते हो, सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके सारे लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा।